अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ज़ारा को सख्ती से मना कर देगा कि अपने घर में ये बात ना करे। जब रिश्ता हो जाएगा तो हम खुद बता देंगे। अरे इस बात की तो तुम बिल्कुल ही फिक्र ना करो, सर्वक के घर तो सीधा सीधा तुम्हारी शादी का कार्ड ही जाएगा। साथ भागने जैसी बातें मत करो, ज़ैनी को हमारी दोस्ती पर एतराज नहीं है, लेकिन अपने जुमलों पर तो गौर करो। हमारी दोस्ती की अहमियत जो हमारी नजरों में लोगों की नजरों में नहीं है, वो इस तरह से नहीं देखेंगे तुम्हें या मुझे। एक बात और करनी थी आपसे, वो ना असल में माहिनी चाह रही ना कि इस रिश्ते की बात ज़ारा को पता चले। वजह? क्या मुझे क्या पता, माही जा रही है, क्या हर्ज है, ज़ारा से छुपा लेंगे तो। अच्छा भाई साहब बताइए, माशाल्लाह ज़ारा अपने घर खुश है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहुत खुश है, मालिक का बड़ा करम है, कल ही बात हुई मेरी सबसे। अच्छा, अरे तो आप मेरी भी बात करवा देते, मुझे बताया ही नहीं आपने। आपकी आज बात करवा देंगे। आप लोग बैठे, अज़ान नमाज पढ़ लो। ऐसे भाभी एक बात है, उन लोगों को ज़ारा को भेजना चाहिए था, शादी के बाद लड़का लड़की आते हैं, ज़ारा कब आएगी? अरे नहीं, वो हनीमून पे जा रहे हैं ना दोनों, तो ज़ारा ने कहा था वहां से यहीं आएगी सीधी। अल्लाह हमारी बच्ची को हमेशा सलामत रखे, दोनों मियां बीवी का प्यार कायम रखे, अल्लाह दोस्तों की बुरी नजर से भी बचाए। दुश्मन की नजर ना लगे ये तो सुना था, आप तो आज नहीं लाए, दोस्त की नजर ना लगे, वाह फिर वाह। भाई ज़ारा को कोई दुश्मन तो है नहीं, इसलिए दुश्मन का नहीं कहा। तो आप भाई की बात करें, क्योंकि ज़ारा की सबसे अच्छी दोस्त तो भाई है। नहीं नहीं, आजकल दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों की नजर लगने का खतरा होता है, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। बाकी मेरा इशारा साथ की तरफ बिल्कुल नहीं था, मैंने तो जनरल बात की है। ठीक कह रहे हैं आप, अब मुझे कह भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है लड़कियों पर नजर रखने की, और वो भी बुरी। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, मैं बुरी नजर रखने वालों पे बहुत अच्छे से नजर रखता हूं, समझ रहे हैं ना? अरे बेटा क्या हो गया है आपको? पता तो है अदनान की आदत है मजाक करने की, वो तो मजाक कर रहे हैं, कोई सीरियस थोड़ी। तो मैं आपको सीरियस लग रहा हूं? लो भाई, हम तो डरे गए। इतनी संजीदगी से किसी को मजाक करते हुए पहली बार देखा ना, नहीं ये तो बड़ा अच्छा एक्टर निकला। कसम खुदा का, हाल तो देखो सरवत की इस छप्पन छुरी का, अंदर ही अंदर हनीमून का प्रोग्राम बना लिया, और हमें उस वक्त पता चल रहा है जब टिकटें आ गई घर में। तो रोके ना, रोके, कोई बहाना करे। करना तो पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ, कहती हूँ घर में रिश्ते की बात चल रही है, उनको होना बहुत जरूरी है। अम्मी 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 क्या हो जाता है, इतनी एक्साइटेड क्यों हो जाती है, बाबलों जैसी बातें करने लगती है। ज़ारा को बताएगी कि मेरे रिश्ते की बात चल रही है। आए हाय, भूल ही गई, मां से एकदम से दिमाग से निकल गया था, अचानक बात ज़हन में आती है ना, कुछ भी याद नहीं रहता मुझे। चालाक औरतों वाले अगर हर बे आते होते मुझे, तो ये अजाब पालती ही क्यों मैं घर में। मैं तो कहती हूँ अच्छा जाने दे, दो चार दिन अदील के साथ घूम फिर के खेल कूद के आएगी ना, तो तलाक के बाद बुढ़ापे में कोई तो अच्छी यादें होंगी उसके पास। अच्छा चलो, ज्यादा बातें ना बनाओ, तुम्हें भी मैं बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ, जानबूझ कर उकसा रही हो ना मुझे, है ना? खैर कुछ भी हो जाए, हनीमून पर तो नहीं जाने दूंगी। आपको क्या लगता है अदील आपकी बात मान जाएगा? ना माने, अदील ने हनीमून पर जाना है जाए अकेला, इस ज़ारा को तो घर से बाहर पैर नहीं निकालने दूंगी, मेरी भी जिंद।
हमी हद होती है, अदील अपने ही हनीमून पे अकेले जाएगा। क्या बातें कर रही है आप? पता है आप थोड़ी देर जाके सोए, आपका दिमाग वमाग में चलवल नहीं रहा, जाए जाके सोए थोड़ी देर। वाह वाह वाह, नींद किसे आएगी, मुझसे तो भैया सोया ही नहीं जाएगा आज की रात। क्या करूं क्या बता रही हूँ, जाके कोशिश करे थोड़ी देर सोए, हो सकता है कोई ख्वाब आए, कोई इशारे मिल जाए, आपका बेटा ना जाए यहाँ से। नहीं ना, कुछ नहीं हो सकता, कोई मानता ही नहीं है। पिछली बार भी कोई माना था क्या? कितना ड्रामा किया मैंने, कितना ड्रामा किया, फिर भी अदील चला गया ना। ख्वाब वाला चक्कर नहीं चलेगा आपके। एक बार चक्कर नहीं चला तो क्या हुआ, दोबारा कोशिश कर लें, हो सकता है इस बार चक्कर चल जाए। वो क्या कहते हैं, चल गया तो तीर, ना चले तो तुक्का। अरे कोशिश तो करें आप, अब ऐसे भी कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, अब की बार नहीं होगा ये सब। पता है इन सबको मेरे ख्वाब झूठे लगते। क्या गा? लगते हैं? अम्मी आपके ख्वाब झूठे होते हैं। बकवास नहीं करो तो अच्छा, फजूल बातें कर रही हो मेरे साथ। तुम देख लेना, ये झूठे ख्वाब वाला तो अब कोई चक्कर ही नहीं होगा। अब तो मैं सच्ची वाली ताबीर करके दिखाऊंगी तुम्हें। मेरा नाम भी फरीदा है। चुप कर जाओ, मैं कह रही हूँ। कहाँ बाय विश? फसूल नहीं, बदतमीज। सबको फील हो रहा है कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो होने दो फील, वैसे भी सबको पता चल ही जाएगा कौन सा तुम्हारे पेट में बात रहती है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। रियली? जारा को तो बताया ही होगा। अभी नहीं बताया तो थोड़ी देर में बता दोगे, और कल तक उसका मेरे पास फोन भी आ जाएगा। मतलब तुम्हारी ज़ारा से बात नहीं हुई अभी तक? हाँ, तो मतलब तुम्हारी बात हो चुकी है। यही तो मैं कह रही हूँ, जब तुमने खुद ही सबको बताना है तो मुझे क्यों कह रहे हो कि मेरी वजह से सब महसूस कर रहे हैं। ज़ैनी, ज़ैनी मेरी बात, ज़ारा को फोन ही नहीं करना चाहिए था। ज़ारा, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था लेकिन तुमने कॉल ही पिक नहीं की। जब मेरा मैसेज देखो तो मुझे कॉल बैक करना। और हाँ, अगर ज़ैनी से बात हो तो उसे मत बताना कि हमारी कोई बात हुई थी, असल में उसका दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें कॉल पे बताऊँगा। हाँ, लेकिन उससे कोई बताना नहीं कि हमारी कोई बात हुई है। क्या हुआ साथ बेटा, किसका दिमाग ख़राब हो गया? मेरा दिमाग खराब हो गया, और इससे पहले और खराब हूं मैं नीचे जा रहा हूं। तुम मेरा सामना क्यों नहीं कर रही? मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी, और घर में बहुत काम है। अम्मी ने चाय बनाने के लिए कहा है मुझे।
चाय बाद में बना लेना, पहले मेरी बात सुनो। देखो घर में मेहमान भी है, मुझसे इस तरह बात मत करो। मेरे घर वाले मेहमान तो नहीं है। जो भी है, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। जैनी, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। कोई बात है तो बात तो करो। ठीक है, कल जाओगे ना तुम मुझे ड्रॉप करने, तभी बात करूंगी तुमसे। जैनी सुने, आप सही कह रहे हैं। जैनी और साद के बीच में सारा की वजह से कोई मसला चल रहा है। क्या 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 कह रही हो? तुमसे किससे कहा? सैनी ने? नहीं, अभी मैं छत पे जा रही थी कपड़े लेने, तो छत से वापस आ रही थी जैनी, इंतहा की गुस्से में, शदीद गुस्सा। मैंने आवाज दी, सुनी उन सुनी करके चली गई। और मैं जैसे ही ऊपर गई, चोरी चोरी साद वहां बैठा हुआ सारा से फोन पे बातें कर रहा था। कह रहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात। ऐसे मसला हो क्या सकता है, कुछ पता है आपको? क्या बात हुई होगी? वही बात होगी जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि जारा और साथ की दोस्ती वोस्ती बिल्कुल नहीं है, इन दोनों का चक्कर चल रहा है। चक्कर किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। कयामत तो अब आएगी। जब तक जैनी को पता नहीं था ये बात छुपी हुई थी, अब तो सबको पता चलेगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब क्या होगा? अगर आप इजाजत दें तो मैं भाभी से बात करूं। भाभी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उनसे कहोगी वो मान लेंगी? बिल्कुल भी नहीं, उल्टा तुम अपनी बात के नीचे आ जाओगी, झूठी साबित हो जाओगी तुम। ये तो है, लेकिन 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 वेकिन कुछ नहीं। खेल का मजा तो अब आएगा। आज वो शरीफजादा क्या कह रहा था कि मैं लड़कियों पे गंदी नजर रखता हूं, और वो मुझ पे नजर रखता है ना। ये अल्लाह का इंसाफ है, अल्लाह का। जब ये बात खुलेगी ना, तब मैं देखूंगा उस खोजी को कैसे वो दुनिया वालों से नजरें मिलाता। वैसे पहली दफा तुम कोई ढंग की खबर लाई हो कसम से। डॉली जी भाई, एक कप चाय बना दो। भाई वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। आपकी और जैनी की नाराजगी है क्या? नहीं। लग तो ऐसे ही रहा था कि नाराजगी है। अम्मी भी यही पूछ रही। अम्मी को कह दो ऐसी कोई बात नहीं है। कह तो मैं दूंगी पर वो मानेंगी नहीं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। और तुमने अंदाज से क्या बात की थी, और खास तौर पे ज़ारा के हवाले से? भाई खास तौर पे नहीं की थी, वो बस बात से बात चल रही थी तो मैंने भी कह दी। क्यों कहा था? नहीं कहना चाहिए था ना। तुम नहीं जानती उस इंसान को, हर जगह बकवास करता फिरता है। भाई ऐसे तो वो भी कह सकते हैं कि जो आपने कहा था वो भी ठीक नहीं था। तुम किस चक्कर में उसकी हिमायत कर रही हो? मैंने जो कुछ कहा किसी वजह से कहा होगा ना। हिमायत नहीं कर रही मैं बस ये कह रही थी कि भाई जो मैंने जारा के बारे में कहा एटलीस्ट उसमें कुछ बुरा नहीं था। आपने जो अदनान भाई के बारे में बोला वो सब मैंने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हें कुछ नहीं पता इस बारे में, और बेहतर होगा तुम इस चक्कर से दूर रहो, और खुद भी अदनान से दूर रहो। घटिया इंसान है वो, घटिया। मैंने जो कहा बिल्कुल ठीक का। जाके चाय बना के लाओ मेरे लिए। ठीक। मामू क्या शादी करना जरूरी है? मैं आपको ऐसे खुश नहीं लग रहा। बेटा तो क्या सारी जिंदगी कुंवारे रहने का इरादा है? मैं अभी शादी करना नहीं चाहता हूँ,
भाई फिर कब करोगे शादी? अगर कोई लड़की तुम्हारी नजर में है तो हमें बताओ, हम जाएंगे तुम्हारा रिश्ता लेकर और हमें कोई इतराज भी नहीं होगा। नहीं मामू, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। अच्छा तो फिर क्यों मना कर रहा हूं? क्या आपको लगता है मैं कोई रिश्ता निभा सकूंगा? हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता हूं बेटा, जैसी जिंदगी तुमने गुजारी है तुम्हें रिश्तेदारों से नफरत होगी। मेरी तरफ देखो बेटा, तुम्हारी मामी के इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था और फिर तुम तीनों की परवरिश की जिम्मेदारी थी मुझ पर। वक्त ने मेरा साथ दिया और रजिया से मेरी दूसरी शादी हो गई। अगर उस वक्त मैं भी तुम्हारी तरह सोचता तो तुम तीनों की जिम्मेदारी कैसे निभाता? लेकिन अगर वो लोग भी धोखेबाज निकले तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मेरे देखे वाले लोग हैं, अच्छी तरह जानता हूं मैं उनको, वैसे नहीं है, धोखेबाज नहीं हो सकते वो। तुम एक दफा उनसे मिल तो लो। ठीक है मामू, अगर आपको लगता है कि वो फैमिली अच्छी होगी तो मुझे कोई एतराज नहीं। शाबाश बेटा, शाबाश। मुझे यकीन था कि तुम मेरा मान कभी नहीं तोड़ोगे। माने जान, बुलाया था आपने? हाँ हाँ हाँ, मैंने बुलाया था, बहुत जरूरी बात करनी थी मैंने तुमसे। जी भाई, अब तुम्हारी शादी के बाद की सारी रस्में कल खत्म हो गई, पता है ना तुम्हें, तो अब जिंदगी को जरा नॉर्मल रूटीन पे ले आओ। जी जी का क्या मतलब है? नॉर्मल रूटीन का मतलब पता नहीं है तुम्हें? क्या मतलब है आपका, मैं समझी नहीं। समझा देती, आओ जरा मेरे साथ आओ, अभी समझाती हूँ। अच्छा तो तुम्हें खाना पकाने का बहुत शौक है, तो ठीक है फिर आज के बाद तीनों वक्त खाने पकाने की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। जी ठीक है। क्या क्या पका लेती हो मौसी? सब कुछ ही बना लेती हूँ। मैट्रिक के बाद अम्मी ने खाना बनाना सिखा दिया था, हम तीनों बहने हर तरह का खाना ही बना लेते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मा मरहुमा कहा करती थी कि औरत के सुगड़पन का अंदाजा उसके किचन से हो जाता है। अगर औरत सलीकामंद होगी तो उसका किचन चमचम कर रहा होगा हर वक्त, और अगर फुहड़ होगी तो उसके किचन का सिंक हर वक्त गंदे बर्तनों से भरा रहे। आप फिक्र ना करें, मैं सब बर्तन अभी धो दूंगी। आपने मुझे किचन की जिम्मेदारी दे दी है ना, बाप को किचन हमेशा साफ सुथरा मिलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा, कहना क्या चाह रही हो? मतलब मैं बदसली का हूँ, मैं फुहड़ हूँ और ये गंदे बर्तन? नहीं मुमारे जान, मेरा वो मतलब नहीं था, और मेरी इतनी जुरत कि आपके बारे में इस तरह की जुबान इस्तेमाल करूं। वैसे इस्तेमाल शुदा बर्तनों को गंदा कहना ठीक होगा? मतलब क्या तुम्हारा इस बात से? अम्मी कहती हैं कि जिन बर्तनों में खाना खाते हैं उन्हें गंदा नहीं कहते। अच्छा अच्छा, बस तुम्हारी अम्मा ने जो कहना था ना वो कह दिया, तुमने सुन लिया, बोल जाओ अब उसे। अब जो मैं कह रही हूँ उसको याद रखो और उस पे अमल करो। आज के बाद किस किचन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो 20 घंटे मुझे साफ सुथरा नजर आना चाहिए किचन, तीनों वक्त का खाना भी तुमने बताना है। मैंने अब बहुत कर लिया इस घर का काम, सबकी खदमत बहुत कर ली मैंने, समझ आ रही है मेरी बात? मैं जा रही हूँ, 1 घंटे के बाद वापस आऊंगी, चेक करूंगी, एक एक चीज चमकदार मिलनी चाहिए मुझे। 1 घंटा क्यों मानो जान, सब कुछ आधे घंटे में साफ कर दूंगी। जान नहीं छुड़ानी है, इंसानों की तरह काम करना है दिल लगा के, समझ आइए ना। और हाँ, वो सर पे भी बहुत दर्द हो रहा है मेरे, पहले चाय बनाओ मुझे ला के दो। मैं सोच भी नहीं सकता
कि तुम मेरे और दादा के बारे में ऐसा भी कुछ सोच सकती हो। तुम क्या सब जानती हो ना, तुम्हें याद है जब अली और डॉली का रिश्ता तय हो रहा था तो मेरा तुम्हारा रिश्ता भी ज्यादा नहीं करवाया था। तो अगर हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ होता तो वो क्यों करती है सब कुछ? हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं तुम दोनों पर शक कर रही हूँ? तो शक का तो मैंने भी नहीं कहा। साथ तुम सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर रहे हो? अगर तुम शक का नहीं कह रहे हो तो फिर इतनी वजाहतें क्यों दे रहे हो? मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था ना कि उसके सामने तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो अगर ऐसा लगा था तो उस वक्त कहना चाहिए था ना, अब क्यों कह रही हो? उस वक्त नहीं लगा मुझे, अब लग रहा है तो मैंने तुम्हें कह दिया। और तुम्हें याद भी है, अपने अल्फाज याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? हाँ मैंने जो कहा वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने तुमसे झूठ भी तो नहीं कहा ज़ैनी। मैंने वही कहा जो मैंने महसूस किया था, उसकी वजह से दोस्ती थी। जब दोस्त दूर जाता है ना तो कैसा फील होता है? सारा दूर जा रही थी और मुझे उसका जाना अच्छा नहीं लगा। ये क्या बात हुई सार, उसका जाना तो डिसाइडेड था ना, एक ना एक दिन तो उसने जाना ही था आदिल भाई के साथ। और लड़कियों के लिए तो हर कोई पैंटी कार पर तैयार रहता है कि उसे हमेशा नहीं रहना होता। दोस्ती में लड़का लड़की नहीं होता, दोस्त दोस्त होता है, और वो मेरे लिए लड़की नहीं मेरी दोस्त थी और बस। ठीक कहा तुमने, तुमने मुझे भी कभी लड़की नहीं समझा। तुम्हारी बड़ी बहन गई थी हनीमून पर, या तुम्हारी अम्मा गई थी, या तुम्हारे मामू मुझे लेकर गए थे हनीमून पर? कोई नहीं गया ना, पूरे खानदान में से कोई नहीं गया, तो तुम लोग भी नहीं जाओगे। साफ बताए दे रही हूं ना तुम्हें, अपने दिमाग से ये हनीमून शनीमून के ख्याल निकाल दो। मैं ये कह रही थी माही कि कल वो नूर आलम भाई आ रहे हैं ना, कल हफ्ता है ना, मैं ये सोच रही थी कि अगर उन्होंने पूछ लिया कि माही की तलाक क्यों हुई थी तो क्या जवाब देंगे? मतलब मेरी तलाक का बताएंगे आप उन्हें? ये पूछेंगे तो सही ना, ऐसी बातें कुछ छुपती थोड़ी है। छुपाने वाले तो बहुत कुछ छुपा लेते हैं अम्मी, आपसे एक तलाक नहीं छुपाई जाएगी। आफरीन है आप पर, मुझे लगता है आपसे ये काम नहीं होगा और मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगी। छोड़ दे। हाय अल्लाह माही माही माही, मैं तुम्हारा क्या करूं? क्या हो जाता है तुम्हें? क्यों मेरा वजह की जिद पकड़ लेती हो, उल्टी पुल्टी बातें करने लग जाती हो? अब ये नई फरमाइश डाल दी तुमने, बात सुनो जरा ठंडे दिल से सोचो। कि इतनी फालतू सोच नहीं है मेरी अम्मी, जो मैंने कहा है अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो फिर उन्हें मना कर दे, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। कमाल ही बात करती हो तुम। ये क्या, ये नवेली दुल्हन को आपने काम पे लगा दिया, हनीमून से तो वापस आ लेने दे कम से कम। हाय हनीमून, कौन सा हनीमून, काहे का हनीमून? कौन गया हमारे सारे खानदान में हनीमून पर? तुम गई नहीं, या इसकी बड़ी बहन गई थी हनीमून पर? पूछो जरा इससे। क्यों बेचारा, तुम्हारी बड़ी बहन गई थी हनीमून पर, या तुम्हारी अम्मा गई थी, या तुम्हारे मामू मुझे लेकर गए थे हनीमून पर? कोई नहीं गया ना, पूरे खानदान में से कोई नहीं गया, तो तुम लोग भी नहीं जाओगे। साफ बताए दे रही हूं ना तुम्हें, अपने दिमाग से ये हनीमून शनीमून के ख्याल निकाल दो। बर्तन मांजो जाकर रात के खाने की तैयारी करो। चल जाओ।
हनीमून? अब बस पीछे पड़ गए आप तो। क्या हो गया? हनीमून पे जाएंगे, चाय भी पता नहीं कैसी बनाई है, शक्ल तो बहुत ही बुरी लग रही है। अपने दिमाग से ये हनीमून शनीमून के ख्यालात निकाल दो, बर्तन मांजो जाकर रात के खाने की तैयारी करो। चल आप बताएं आप कैसी हैं, अब्बू कैसे हैं और सब? ठीक है बिल्कुल। तुम बताओ घर में सब ठीक है ना, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? बस आप सबकी याद आ रही थी, इतने दिनों से मिले नहीं ना। तो तुम कहो ना आदि उसे कि तुम्हें लेकर आ जाए। मैं बता रही हूँ तुम्हें, वो कभी भी मना नहीं करेगा। पता है कल आसापा और शायस्ता भी यही कह रही थी कि तुम जब से ब्याह के गई हो एक बार भी पलट के नहीं आई। अदीन तो कह रहे थे अम्मी कि वो ले जाते हैं, बस मैंने ही मना कर दिया। आप कहती है ना कि बेटियां ससुराल में अच्छी लगती हैं। काश ये बात माँ इनको भी समझ आ जाए। मुझे परेशान करके रख दिया बेटी उस लड़की ने, कभी उसकी परेशानी हो जाती है, कभी तुम्हारी फिक्र में घुलना शुरू कर देती हूँ, क्या करूँ? इनको थोड़ा वक्त है। वक्त ही तो हाथों से निकला जा रहा है बेटे, इतने दिन से महके में आके बैठी हुई है कि अब तो लोगों ने भी पूछना छोड़ दिया है, सबको ये लग रहा है कि हमेशा के लिए आ गई है शायद। नहीं आप प्लीज परेशान मत हो, आप कहें तो मैं बात करूँ माइन से। नहीं नहीं, तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि एक दफा मैं जरा आराम से बात करके देखूं इससे, तो पहले मैं कर लूंगा। हम उनसे वादा करें कि आप परेशान नहीं होंगी, वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस आपके पास आकर बैठ जाऊंगी। नहीं नहीं, खुशी खुशी जाओ मेरे बच्चे, पहली दफा जा रही हो बाहर, खूब इंजॉय करना। अच्छा अपने कपड़े वपड़े सर्दी के रख लेना, ठंड हो सकती है, और खाने में थोड़ी सी एहतियात करना बेटे, क्योंकि वो ऐसे पेट वेट खराब हो जाएगा तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। जो जो कहा है आपने वैसे ही करूंगी अम्मी। जीती रहो मेरी बच्ची, और अदील को मेरा बहुत प्यार देना, ठीक है? कब की फ्लाइट है वैसे? फ्लाइट परसों शाम की है। ठीक है बस मुझे बताते रहना। तुम दोनों इतला देते रहना, एयरपोर्ट जाओगे टेक ऑफ पे भी बता देना। ओके कर दूंगी अम्मी, आपसे बाद में बात करूँ, पैकिंग भी करनी है। चलो मेरा बेटा, अल्लाह की मान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सबके चाओ। क्या मतलब है इस बात का? छोड़ो तुम नहीं समझोगे। क्यों छोड़ू? नहीं समझोगा तो समझाओ मुझे। लेकिन जैनी अब बस कर दो, बहुत दिन हो गए, अब नाराजगी खत्म कर दो। सारा तुम्हारी दोस्त, तो मैं कौन हूं तुम्हें? ये कैसा सवाल है, ये तो सवाल ही गलत है। सवाल कोई गलत नहीं होता, जवाब सही गलत होती, और तुमने सही जवाब देना है मुझे। इसका जवाब तो तुम जानती हो ज़ैनी, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते। कौन हूं मैं तुम्हारा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ ज़ैनी, हमारी मंगनी हो चुकी है, शादी होने वाली है,
क्या वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? मेरा मतलब कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? यही कोई 30-40 किलो मोहब्बत करता। मैं मजाक नहीं कर रही, अभी हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं ना। प्लीज मोहब्बत का मजाक मत उड़ा। मोहब्बत को कोई कैसे नाप सकता है? इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता। तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करती? ज़ारा से, फिर या मुझसे? ज़ारा की अपनी जगह है, वो दोस्त है मेरी। मैं तुम्हें और ज़ारा को एक जगह पे कैसे रख सकता हूँ? तुम पागल तो नहीं हो गई? और तुम्हारे दिमाग में ये कौन बातें डाल रहा है? कोई नहीं डाल रहा मेरे दिमाग में ये बात, खुद आ रही है ये बातें मेरे माइंड में। सारी बातें पहले कभी नहीं आई जब वो यहाँ थी। वो यहाँ से गई है तो ऐसा लगता है तुम्हें भी अपने साथ ले गई। तुम बदल गए हो साथ, तुम बदल गए। ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं गया, मैं यही हूं तुम्हारे पास। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं ज़ैनी, सिर्फ तुमसे। तो तुम बताते क्यों नहीं हो? तुम कहते क्यों नहीं हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? साथ मुझे सुनना अच्छा लगता है। मुझसे कहो कि ज़ैनी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। क्यों नहीं कहते तुम? मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ ज़ैनी, सिर्फ तुम्हारा। और मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। अगर वो मैनेजर नहीं मानेंगी तो क्या हम नहीं जाएंगे? ये तुमसे किससे कहा? किसी ने नहीं, साहब से पूछ रही हूँ। फिर हम जाएंगे ना? ऑब्वियसली जाएंगे। अभी तो ये भी चाहती थी कि हमारी शादी ना हो, लेकिन क्या हुआ, होगी ना शादी। जब वो मुझे तुमसे शादी करने से रोक नहीं सकी तो हनीमून पे जाने से रोकेंगी? बस डर लग रहा है। किस बात का डर? कहीं कोई हमें एक दूसरे से अलग ना करते। अदील, हंसने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारी बात पर नहीं हंस रहा, तुम्हारे एक्सप्रेशंस पर हंस रहा हूं। तो क्यों इतना डरती हो? देखो, मुझे पता है कि माही और अम्मी का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि वो हमें अलग कर देंगे। बात ये नहीं है। यही बात है, अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें, एटलीस्ट मुझसे तो मत छुपाओ। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मौत के अलावा दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। अदील, कुछ शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? आप क्यों करते हैं ऐसी बातें? क्योंकि अगर मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी तो तुम चुप नहीं होती, इसीलिए करनी पड़ती। बुरी बात, क्या मिलता आपको ऐसी बातें करके? अगर आपने आइंदा ऐसी कोई भी बात की ना दी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मेरी बात तो सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, खाना बना। ज़ारा, ज़ारा।
तुम क्या कर रहे हो साथ? मैं सो रही थी। I love you। ये बदतमीजी है साथ। I love you। तुम बदला ले रहे हो ना मुझसे? बदला तो नहीं ले रहा, उसे बता रहा हूँ कि I love you। साथ तुम्हें पता है ना मुझे सुबह यूनिवर्सिटी जाना है और तुम मुझे तंग कर रहे हो अब। हाँ तो जाओ, मैंने कब रोका? हाँ तो तुम्हारे मैसेजेस की वजह से ही मेरी नींद डिस्टर्ब हुई है, वरना मैं तो सो रही थी। अच्छा जी, सो रही थी तो तुम्हारी इन बातों ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया होगा। अच्छा तो तुम बदला ले रहे हो मुझसे? चलो भाई, बदला ले रहा हूँ। तुमने खुद ही तो कहा था कि अपने प्यार का इजहार किया करो मुझसे। अच्छा, अगर इस तरह करना है ना तो प्लीज मत किया कर। क्यों भाई, मैं तो ऐसे ही करूंगा। वो कहते हैं ना, मेरा प्यार मेरी मर्जी। ऐसा है तो फिर ठीक है। मेरा फोन मेरी मर्जी, मैं फोन रख रही हूँ। खुदा हाफिज। जैनी, अरे शाइस्ता, सुबह ही सुबह उठ गई आज तो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या जल्दी आंख खुल गई? नहीं जल्दी क्या आंख खुल गई थी, आंख लगी नहीं, पूरी रात एक ही बात सोचते रहे। क्या हो गया? खैरियत? खैर छोड़े इस बात को, रहने दे। ओके अम्मी, मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जाओगी, साथ तो अब आएगा नहीं। क्यों साथ क्यों नहीं आएगा? क्यों शायस्ता, तुम क्यों कह रही हो ऐसे? वो भाभी, मैं इसलिए कह रही थी कि साथ तो जारा की वजह से आता था ना, अब वो नहीं है तो वो नहीं आएगा। हे, साथ ही आ रहा है मुझे लेने, और आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे बात कर रही है, बिल्कुल माहीन लगी तो। अब नहीं अम्मी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अच्छा आओ, तुम्हें नाश्ता बना के दे रही हूँ, नाश्ता करके जाओ। नहीं अम्मी, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं वही कुछ खा लूंगी। अब अम्मी साथ आ गया, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। ऐसे तो ध्यान से जाओ। अल्लाह हाफिज। ऐसे बेध्याने में बोल गई है, ऐसे जैनी ऐसी है नहीं, तुम्हें तो पता है ना। दिल पे मत लेना, मैं कहूंगी तुमसे माफी मांगेगी। अरे भाभी कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसी कोई भी बात नहीं, अब से थोड़ी जानती उन बच्चों को, छोटी छोटी थी जब से जानती, क्यों परेशान हो रही हैं आप। अच्छा चलो आओ, तुम्हें नाश्ता बना कर देती। आप मुझे ये बताएं कि जारा कल यहाँ आ रही है ना, यहीं से जाएगी ना? नहीं कुछ कहा तो। अच्छा, साथ तो एयरपोर्ट पर जा रहा होगा ना छोड़ने।
नहीं, अगर यहां से गए भी तो कह रहे थे अदील का कोई दोस्त है जो छोड़ेगा। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, आपकी चाय ठंडी हो रही है। देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव सिर्फ और सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर एक्सक्लूसिवली।